अस्सलाम वालेकुम तमाम शौकीन दोस्तों भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने छोटे चूजे तकरीबन 10 से 12 दिन वाले चूजे और एक चकोर का बच्चा दिखाया था जो कि बहुत मतलब कम उम्र के थे और उनको मैंने टोटल 1 से 2 दिन खुडे के अंदर रखा था तो उनमें चिचड़ हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा चिचड़ थे और बिल्कुल यूँ समझ लें कि उनके जिस्म से आधे से ज़्यादा खून चूस चुके थे। तो बड़े परिंदे तो फिर भी इनके साथ गुजारा चला लेते हैं, छोटे परिंदे जो होते हैं जैसे अभी चूजे हो गए या चकोर हो गए या तितर हो गए, इनके बच्चे हो गए, ये ज़्यादा अरसा इनके साथ गुजारा नहीं चला सकते, इनसे ये सारा खून चूस लेते हैं। इसके बाद या सोपड़े में जाते हैं, सोपड़े से फिर मर जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्प्रे बनाना सिखाऊँगा कि अगर आप वो स्प्रे बना के और अपने तमाम खुडों में उसका अच्छे तरीके से स्प्रे करेंगे ना तो कम से कम 2 से 3 महीने आप बेगम रहें कि आपके दोबारा खुडों में ये चीज़ आएगी। और अगर आपके खुडे पलस्तर हो जाए, मेरे अभी तक नहीं हुए हैं, टाइम भी नहीं मिलते और बस क्या कहें, आजकल इस तरह का वक्त है कि महंगाई भी ज़्यादा है तो इतना है बंदा इनके दाने पूरा करे, पानी सफाइयाँ पूरी करे या मजीद काम कराए तो इसलिए थोड़ी मुश्किल होती है। मैंने वैसे खुद भी सोचा था कि इन खुडों को कम से कम अंदर से इनकी टीप करवानी है मैंने और बाहर से प्लास्टर करवा के चूना मारना है, लेकिन अभी क्योंकि वो नहीं मार सकता इतनी जल्दी एकदम तो स्प्रे करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। स्प्रे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आईडी मेथ नाम है, 100 ml की बोतल है ये। तो बाकी इस पे जो भी अलामत और बनाने का तरीका और जो इंतबाह है वो सारा कुछ यहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है, इस साइड इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये अगर आप बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 3 महीने के लिए तो आप बेगम ही हो जाएँ कि आपके दोबारा खुडों में चिचड़ आएंगे। तो इससे पहले मैंने इसको इस्तेमाल किया है, लेकिन इससे पहले मैंने इसको तकरीबन 3-4 साल पहले इस्तेमाल किया था, उसके बाद दोबारा मुझे कभी इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा अभी, क्योंकि खुडों में मट्टी शट्टी डाली है, चिचड़ जो होते हैं वो मिट्टी जिस खुडों में ज़्यादा हो और जो लकड़ी के बने हुए पिंजरे होते हैं उन्हीं में ज़्यादा अटैक करते हैं। ये मतलब लोहे के पिंजरे हों या ऐसे बने हुए पिंजरे हों जो हो तो सीमेंट के बने हुए यानी कि पक्के हों मगर उसमें सुराख भी ना हो, मुकम्मल प्लास्टर में हो और चूना हुआ हुआ है और इसके अलावा यानी कि मट्टी छट्टी बीच में ना डाली, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो तो उसमें नहीं आते चिचड़, बहुत कम आते हैं। तो अभी मैं आपको ये बनाने का तरीका सिखाता हूँ कि ये बनाते किस तरह हैं और फिर करके देखते हैं कि किस तरह किया जाता है। तो इसके लिए जो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी वो है, सबसे पहली चीज़ ये कि परिंदे जानवरों को हमने खुडों से निकाल देने हैं, खुडे बिल्कुल खाली कर देने हैं, जितने भी परिंदे हैं उन सबको बाहर निकाल देने हैं। उसके बाद दूसरा काम आप ये करना है कि आपके पास इस तरह के ये चीज़ दस्ताने होने चाहिए, ये दस्ताना पहले पहन लें, उसके बाद ये भी पहन लें। अच्छा, मास्क आपने ज़रूरी इस्तेमाल करना है तो क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त स्प्रे है, ये अपनी नाक या हाथों वगैरह पे लग जाए तो एलर्जी हो सकती है। तो अब मैं चले टाइम मज़ीद नहीं ज़ाया करता तो बनाना शुरू करता हूँ। ये जी बोतल कुछ इस तरीके की है, इस पर सील लगी हुई थी जो मैंने खोल ली है, ठीक है। इसमें 5 लीटर पानी लेके आया हूँ, मैंने खोल दिए। इस पे जो लिखा है कि पोल्ट्री फार्म्स और घोड़ों के इस्तेमाल में 10 मिलीलीटर 5 लीटर पानी में, तो ये 5 लीटर पानी है, 5 ml की ये सिरिंज है, अभी 2 सिरिंजें भर के इसमें डालूंगा मैं। Mm-hmm.
कर आती है, देखो एक्स रे जो होगी। ये दो सिरिंज ठीक है। अब इस सिरिंज को आप किसी और चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के साथ आप रखें, जब जब आपको ज़रूरत पड़े तब तब आप इसमें यह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो रहा है और जब तक मैं खुडे खाली करता हूँ, परिंदों को यहाँ से निकाल देता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं जब स्प्रे शुरू करता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो ज़्यादातर थे वो खाली कर दिए हैं। इस तरह के चीज़ की आपको बोतल, मैंने अब कल गलती की है, ये वो बड़ा लंबे पाइप वाला लाया है, आप वो ले आइएगा। तो 1.5 लीटर की जो पेप्सी वगैरह की बोतल होती है, उसको अच्छी तरह धो के उसमें स्प्रे डाल के कीजिएगा। मुझे अब मजबूरन इस वक्त सुबह सवेरे का टाइम है, 6 बजे का, ये छोटी बोतल से ही करना पड़ेगा। ये बार बार उससे भरूँगा बाल्टी से और इससे स्प्रे करूँगा, ठीक है। आपने भी कोशिश यही करनी है कि सुबह का टाइम रखना है इसके लिए, क्योंकि ये जो है ऐसे टाइम में किया जाए तो उसके बाद तकरीबन 10 से 12 घंटे खुड्डे खाली रहे, उनमें परिंदे जानवर नहीं डालने, एक बात। और दूसरी बात ये है सुबह के टाइम करने की, कि सुबह के टाइम थोड़ा मौसम ठीक होता है तो सोचती है करना ज़्यादा मौसा रहता है इसका। आप दीवारों में जितने भी सुराख वगैरह हैं, इनमें अच्छी तरह से इसका स्प्रे करना है। एक रेट पड़ा हो, इस तरह कोई और चीज़ पड़ी हो, उसके ऊपर भी करना है, उसके अंदर भी, उसको हटा के जो पीछे की जगह है वहाँ पे भी अच्छे तरीके से कर लेना है। अच्छा, तो स्प्रे मैंने सारे खुड्डों में कर दिए है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे फिर छिछड़ से कम 2-3 महीने तो छुटकारा रहेगा। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको, एक इंजेक्शन है वो भी दिखाऊंगा, उस इंजेक्शन का क्या काम है वो भी आपको सारा कुछ बताऊंगा, वो भी छिछड़ से ही मुतल्लिक है। मतलब वो इंजेक्शन आप लगाएंगे तो छिछड़ उनको नहीं पड़ेंगे। अगली वीडियो में इसके बारे में बनाऊंगा, अभी आज की वीडियो में यही था कि ये स्प्रे ला के आपने करने, इसमें जो ज़रूरी मतलब एहतियात थी वो ये थी कि फ्रिज में रखना है, गर्म जगह पे नहीं रखना है इसको। अच्छा, सुबह सवेरे के टाइम करें कि आप जिस वक्त परिंदे खोल दें, खुडों से बाहर निकाल दें, ताकि शाम तक परिंदे बाहर रहे, तो शाम तक इनमें स्प्रे लगा रहे, फिर रात को आप परिंदे इसमें डालें। उसके अलावा जो ज़रूरी बातें थी, ये दस्ताने डबल, मास्क अपनी सेफ्टी करनी है, तो उसके बाद जो है परिंदों जानवरों को निकाल देना खुडों से मुकम्मल, और इनके जो खाने पीने के बर्तन होते हैं उनको भी निकाल देना है, तो अच्छे तरीके से स्प्रे करना है, और ख़ास तौर पे जो दीवारों में सुराख सुराख होते हैं उनके अंदर करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा तरीक़ाकार। दवाई का नाम आईडी मैथ सॉल्यूशन है, डेल्टा मेथ्रीन इसका फार्मूला है। तो ये आपको तकरीबन 600 तक ये बोतल मिल जाएगी सोया मिल्क की, जो मैंने आपको दिखाई थी शुरू में। तो 5 लीटर पानी में 10 ml आपने ये सॉल्यूशन मिक्स करके उससे आपने करना है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको दूसरा वो इंजेक्शन के बारे में भी बताऊंगा और उसका तरीक़ाकार भी सारा समझाऊंगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।